अपने अंदर पैदा करना कि आप ये चीज जो है कुछ नया सीखना चाहते हो सवेरे सवेरे, राइट? विच इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट. सो यस, थैंक यू फॉर द मैसेजेस इन द चैट बॉक्स. आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्लैड मैं आपका इतना सहयोग मिल रहा है हमें, राइट? ओके, सो आई थिंक वी हैव अ गुड नंबर ऑफ पीपल, विच इज गुड. और लोगों को भी लेकर आइए, अगर आपके परिवार में कोई विमेन भी है उनको भी आप लेकर आ सकते हो, उनको भी कह सकते हो जो जुड़ने के लिए. ओके, सो वी बिगिन, अभी सेशन शुरू करते हैं हम. एंड अभी हुए हैं 8:15, 8:12 हुए हैं. तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जैसे शुभाषी सर ने भी कहा, राइट, तो कितने लोगों को एक डिफरेंस करना है अपने अपने घर की औरतों के लिए, या अगर आप खुद एक औरत है तो आपको लगता है कि एक चेंज आना बहुत जरूरी है आज महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, कि ये एक इनिशिएटिव आप लोगे आज के सेशन के बाद, पॉसिबली आप शायद आप ऑलरेडी कर रहे हो, राइट, विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो कितने लोगों को लगता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य निग्लेक्ट हो रहा है एंड उसके लिए कुछ करना चाहिए? यस, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. यस यस यस, लग रहा है आपको जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है ये, क्योंकि जैसे कि करियर हो या फिर फैमिली हो या फिर यू नो रिलेशंस हो, ये सारी चीजें मेंटेन करना कोई खाने की खाने का काम नहीं है. एंड वुमेन आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ओवर देयर, राइट? औरतें इस क्षेत्र में यू नो हर हर क्षेत्र में एक्सेल कर रही है, निखर कर आ रही है बाहर, है ना? तो उनको अगर हेल्दी अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजें उनसे हो भी नहीं पाएगी, राइट? अगर हो भी जाएंगी तो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अफेक्ट होगा, राइट? और हम यहाँ पे मेनली फिजिकल हेल्थ की भले आज बात कर रहे होंगे, बट उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपका मेंटल हेल्थ भी आता है, और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब जैसे कि मैं जो क्षेत्र में काम करती हूँ, सो मैं आई स्पेशलाइज इन वुमेन हेल्थ, बिकॉज जो जो इनिशिएटिव मैंने लिया हुआ, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये सवाल पूछा, राइट? सो आज आप एक प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से कि यू विल डेफिनेटली वॉक टूवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ, बिकॉज ये एक निग्लेक्टेड एरिया है. औरतें खुद निग्लेक्ट करती है, सोचिए, या तो औरतें खुद निग्लेक्ट करती है अपना हेल्थ, तो सोचिए कितना निग्लेक्टेड होगा सोसाइटी में, राइट? यस, हम खुद खुद जिम्मेदार है, बट आपको सपोर्ट देना पड़ेगा. अगर आप एक मर्द है तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा अपनी फैमिली की औरतों को, अपने अड़ोस पड़ोस की औरतों को, क्योंकि वो सामने से होकर उनका वो होता ही नहीं है कि हम यू नो हम पहले आते हैं, वो होता ही नहीं है विमेन में, राइट? क्योंकि उनको घर बच्चे पति सब संभालना होता है, तो वो हमेशा अपने आप को लास्ट में रखती है. तो उनके लिए भी मेरे पास एक मैसेज है टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, बट आज हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम विमेन की हेल्थ के प्रति थोड़ा और जागरूक हो सकते हैं, और हम कौन से प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं जिससे उनका हेल्थ सुधरे, राइट? और आर यू रेडी? या सो आई विल शेयर माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, ओके, ग्रेट. आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. ठीक है, आगे बढ़ती हूँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विमेन्स हेल्थ स्पेशली, राइट? और SHPL के प्रोडक्ट से. तो देखिए, विमेन्स हेल्थ केयर के बारे में तो हम सभी बात करते हैं, पर सॉल्यूशंस कहाँ है हमारे पास? कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देंगे जो इजी टू फॉलो होते हैं, जो जो आसानी से कोई भी महिला जो है वो उसको फॉलो कर सकती है, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे. अब सबसे पहला सवाल आता है कि हम बार बार यही चीज दोहरा रहे, तो हमने अभी भी देखा कि विमेन की हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है आज के जमाने में, क्योंकि उसको ये सभी कुछ करना होता है. उसको घर संभालना होता है, उसको ऑफिस संभालना होता है, उसको थोड़ा अगर वो बेचारा वो अगर यू नो उसकी पढ़ाई पूरी अगर उसको करनी होती है, या बच्चों को पढ़ाना होता है, घर की साफ सफाई होती है, खेल कूद में है, उसका करियर है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, वो बेचारी तो नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ, वो उसके कंधे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर होती है,
राइट। सो ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा कि आसान नहीं है हैंडल करना एक साथ, ओके। तो इसीलिए विमेन की हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर आप विमेन की लाइफ स्टेजेस देखो तो 20 से लेके 30 तक, जब जब यू नो अ वुमन, जब एक महिला मैच्योर होती है तो 20 से लेके 30 तक ये उसकी एज है करियर और फैमिली को बैलेंस करना, क्योंकि ये एज में शादी भी होती है, ये एज में कॉलेज भी पूरा होता है, ये एज में जॉब भी लगती है इन केस शी इज वर्किंग, राइट। दूसरा जो स्टेज है वो है लेट 30s से लेके लेट 40s तक, यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, राइट। तो ये पीरियड जो है यहाँ पे बहुत बहुत, ये भी बहुत एक क्रूशियल पीरियड है। जैसे कि 20s to 30s वाला पीरियड क्रूशियल है, वैसे ये पीरियड भी बहुत क्रूशियल है, बिकॉज यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और मेंटल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, राइट। तो ये समझना जरूरी है। और 40s to 50s, लेट 40s से 50s के बाद ये आपका, अगर आपको कोई कोई बीमारी है, जैसे कि सादा से सादा आंख का प्रॉब्लम होता है, राइट, बुढ़ापे में, या फिर मेनोपॉजल इश्यूज होते हैं, तो ये एज है कि आप अपनी क्रॉनिक डिजीज को मैनेज करते हो एज अ वुमन, राइट। और एक 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 ऐसा पड़ाव आ जाता है कि आपको जिंदगी अच्छे से जीनी है, या सो ये फेजेस है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूं। तो इसके लिए हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो ट्रांजिशन है बचपन से लेकर बुढ़ापे का जो ट्रांजिशन है एक महिला की जिंदगी का, वो एकदम स्मूथली गुजरे। तो यहाँ पे उसको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है ये एज ग्रुप में, ताकि करियर और फैमिली बैलेंस हो सके। यहाँ पे भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे भी हेल्दी रहना जरूरी है बिकॉज नहीं तो डिजीज आ सकती है, बीमारी आ सकती है, राइट। तो आप इसमें से कहोगे तो कोई भी एक ऐसी अकेला एज ग्रुप नहीं है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक महिला की जिंदगी में ये सारे लाइफ स्टेजेस इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ, राइट। अब देखते हैं हम कि क्या वुमेन के रिलेटेड क्या यूजुअली क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सो देखेंगे आपके इन्फ्लेमेशन बहुत होता है वुमेन की बॉडी में भी, खास करके ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, ये खास करके प्रॉब्लम होता है आफ्टर द एज ऑफ 45 खास करके, राइट। ऑस्टियोपोरोसिस, हमने आई थिंक बोन हेल्थ में भी देखा था कि किस तरह से हड्डियां एकदम वीक हो जाती है, राइट। फिर थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर, डिप्रेशन, मेनोपॉज, सर्वाइकल कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एवरी थर्ड वुमन इन दिस कंट्री इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ PCOS। तो अगर आप एक महिला है और आप एक रिप्रोडक्टिव एज में है, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है 18 से लेकर 45 तक या 50 तक, जब तक आपके पीरियड्स नहीं खत्म होते हैं, तो वो आपका रिप्रोडक्टिव एज है। और अगर आपको पीरियड्स इरेग्युलर है, मासिक आपका इरेग्युलर आता है, तो आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विच इज PCOS, इसको PCOD के नाम से भी जानते हैं, राइट। ओके, मॉर्निंग सिकनेस, स्ट्रेस, आफ्टर डिलीवरी जो एक डिप्रेशन की तरह किसी किसी को आता है, पोस्टपार्टम ब्लूज, इरेग्युलर हार्ट बीट, और अनीमिया, अनीमिया बहुत कॉमन हो जाता है 20 से 30 की उम्र में, राइट, ओबेसिटी। तो ये सारी चीजें जो है ये एक औरत के हेल्थ के इर्द गिर्द घूमती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, एक सबसे बहुत बड़ा, तो हमने क्या, मैंने क्या किया है आज के वेबिनार को एकदम क्या कहते हैं, इफेक्टिव बनाने के लिए, मैंने ना हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ को कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी हम देखेंगे मेटाबॉलिक हेल्थ। अब मेटाबॉलिक हेल्थ में पूरा आपका मेटाबॉलिज्म आता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। तो आपके वेट रिलेटेड इश्यूज, अगर आप एक औरत है और अगर आप वेट इश्यूज से जूझ रही है, सो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है। सेकंड इज आपका डायबिटीज, यानी शुगर लेवल नॉर्मल रखना जरूरी है, ये भी एक मेटाबॉलिक हेल्थ का पैरामीटर है। थायराइड इज योर मेटाबॉलिक पैरामीटर। माइग्रेन और हेडेक्स, ये सारी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म में आती है, और हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा है। तो मेटाबॉलिक हेल्थ का मतलब है बॉडी में जितने भी
मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, अब्सॉर्प्शन है, ये सारी चीजों को अफेक्ट करते हैं, ये सारी बीमारियों को अफेक्ट करते हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ। तो आपको अगर पीसीओएस की समस्या है या इनफर्टिलिटी का इश्यू है या पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करते हो आप, या आप प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होना मतलब यू नो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ में आता है। नेक्स्ट इज मेनोपॉजल हेल्थ। अगर आप 45 की उम्र के है और ऊपर है आपकी एज, तो आपको धीरे धीरे मेनोपॉज सेट होने लगेगा, या फिर अगर आपको ऑलरेडी हो चुका है मेनोपॉज तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि उसमें बोन हेल्थ आपका बहुत अफेक्ट होता है मेनोपॉज में। ओके, उसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके हॉर्मोन्स जो है वो कम होते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये शुरुआत होती है प्यूबर्टी की, यहाँ पे 30 की एज में, अब 35 इज योर पीक हॉर्मोन्स के लिए, राइट। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है आपके हॉर्मोन्स कम होते जाते हैं, ईस्ट्रोजन बेसिकली कम होता जाता है। ईस्ट्रोजन क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ कि ईस्ट्रोजन क्या है? लेट्स टेक अ क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम माय साइड, या तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं व्हाट इज ईस्ट्रोजन। यस, कम ऑन, हु विल बी द फर्स्ट वन टू राइट? इट्स अ हॉर्मोन नवदीप जी, बट क्या, कौन सा हॉर्मोन है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? इट्स अ रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन, वेरी गुड आयशा, यस, इट्स अ फीमेल हॉर्मोन। ओके, इट्स अ फीमेल हॉर्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन या फीमेल सेक्स हॉर्मोन, ठीक है। सो यस, दैट इज वॉट इज ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजीज। ओके, आपका यहाँ पे ईस्ट्रोजन कम हुआ, वहां पे आपकी बीमारी का रेट बढ़ गया। तो इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां भी बढ़ती है, क्योंकि आपका जो एक सुरक्षा कवच था ईस्ट्रोजन का वो कम हो रहा है, खास करके महिलाएं ये ध्यान दें। तो एक बोन डेंसिटी भी डिप्लीट होती है आपकी, यानी कि बोन का स्ट्रक्चर भी बहुत नाजुक हो जाता है, बहुत फ्रजाइल हो जाता है, कि थोड़ा सा भी लगेगा तो फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। और दूसरा है मूड स्विंग्स आना, हॉट फ्लशेस आना, ड्राइनेस महसूस करना, तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो जाती है मेनोपॉज में, ठीक है। चिड़चिड़ापन आना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, और इस वक्त पे उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो कुछ चीजों से गुजर रही होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज स्किन एंड हेयर हेल्थ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्ने, बिकॉज वो भी एक इन्फ्लेमेशन का प्रतीक है, सोराइसिस, एक्जिमा, आपके हेयर लॉस इश्यूज और आपका एजिंग इश्यूज। तो आपको एक हेल्दी स्किन, इस तरह की स्किन नहीं चाहिए, आपको यंग स्किन चाहिए। तो उसके लिए आपको आपका अंदरूनी एनवायरनमेंट इतना हेल्दी बनाना पड़ेगा कि आपको आपको यू नो 50 की उम्र में भी आप 30 के लगोगे, राइट। किसको नहीं चाहिए ना, सबको चाहिए ये, राइट, सभी का सपना होता है ये। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ व्हाट, नाउ हम अब जो देखने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट रेंज हमारा, जो ये सारी प्रॉब्लम्स को, ये जो जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, मेनोपॉजल हेल्थ डिस्कस किया कि ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मेनोपॉज में, फिर मेटाबॉलिज्म में सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, थायराइड रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड, स्किन और हेयर में प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर आपके रिप्रोडक्टिव एज में प्रॉब्लम्स आते हैं कि पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, राइट। फिर आपका जो जो फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट, या फिर किसी किसी को बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, महिलाएं ये समझ पाएंगी, शायद पुरुष नहीं समझ पाएंगे, बट यू कैन ऑलवेज रिसर्च व्हाट इज ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो वाइट डिस्चार्ज का एक इश्यू होता है, ल्यूकोरिया कहते हैं जिसको, उस सभी के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। सो नेचर जो लेकर आया है आपके पास, उन प्रोडक्ट्स का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। आपकी और आप अगर एक औरत है या आपके आसपास कोई औरत है तो उसका स्वास्थ्य सुधारने के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रेंज है। तो मैंने इस बार कैप्सूल्स, टैबलेट्स, जूसेस वगैरह की श्रेणी नहीं बनाई है, आपको बेटर समझ में आए, क्योंकि देखिए ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है,
है कि नहीं, ये यहाँ पे जैसे हमने अभी ये प्रॉब्लम्स की बात करी थी, वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हम प्रॉब्लम वाइज जाएंगे, हम मेटाबॉलिक हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए क्या है उसके हिसाब से जाएंगे। स्किन एंड हेयर हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जब आप एक यू नो आप वो एक एज ग्रुप में होते हो, जब आप एक जब आप कंसीव करने की एज में होते हो, तब आपके क्या इश्यूज है मेंस्ट्रुअल हेल्थ वगैरह के रिलेटेड, सेक्सुअल हेल्थ और मेनोपॉजल हेल्थ, राइट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ। क्या सभी मेरे साथ है? बिफोर आई स्टार्ट दिस, हम शुरू ये श्रेणी शुरू करने से पहले, इज एवरीबडी विथ मी? यस, राइट इट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप समझ रहे हैं मैंने इसको कंडीशन वाइज आज मैंने इसको प्रेजेंट किया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये देना है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? ओके, चलिए लेके चलती हूँ आपको मेटाबॉलिक हेल्थ की तरफ। तो थायरो केयर सबसे पहला प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के लिए। अब क्या आपको ये पता है, मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स देना चाहूंगी। I think some of you must maybe knowing this, किसी किसी को पता होगा, but हमारे देश में और पूरे दुनिया में भी जितने भी थायराइड के केसेस है उसमें सबसे ज्यादा वुमेन को अफेक्ट होता है थायराइड। मर्दों के मुकाबले वुमेन में ये ज्यादा प्रेविलेंट है, ये ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि उनके जो हार्मोनल मेकअप है, जो 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 हार्मोन्स उनके बॉडी में है, प्लस जो जिस तरह की लाइफ वो जीती है, वो पूरा का पूरा असर उनके थायराइड पे होता है, राइट। तो हार्मोनल रीजंस के कारण भी और उनके लाइफस्टाइल के कारण भी थायराइड के ऊपर सबसे पहले असर होता है, राइट। तो आप अगर मुझे पूछे इंडिया के स्टेटिस्टिक्स, तो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल द थायराइड केसेस, जितने भी थायराइड केसेस है, तो ये एक स्टडी हुई थी रिसेंटली, आई थिंक एक दो तीन साल पहले, अब तो शायद ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो उसमें ये पाया गया था कि 11.4% वुमेन हैड थायराइड, और जबकि मर्दों का प्रेविलेंस था 6.7%। तो सोचिए आप महिलाओं को कितना जल्दी अफेक्ट करता है थायराइड इश्यूज, राइट। तो अगर आप हाइपोथायरॉइड से जूझ रहे हैं, अगर आप हाइपर थायरॉइड से जूझ रहे हैं, तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट मर्दों के लिए भी है, पर आज हम सिंस वुमेन्स केयर की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेशली वुमेन के लिए मैंने ये ऐड किया है अपने प्रेजेंटेशन में, बिकॉज प्रेवलेंस रेट हाई है, रिस्क इनको ज्यादा होता है वुमेन को, करेक्ट। तो देखते हैं ये इसका क्या फायदा है। ओके, तो थायरो केयर जो है ये कैप्सूल्स के रूप में आते हैं, इट इज बेसिकली अ थायराइड स्टिमुलेंट। तो अगर आपका थायराइड कम पैदा हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा, उसको नॉर्मल करेगा, ओके? और अगर बहुत ज्यादा भी पैदा हो रहा है तो उसको भी नॉर्मल रेंज में लेके आएगा। तो दोनों का मतलब इन दोनों केसेस में काम एक ही हो रहा है कि नॉर्मल पे लेके आ रहा है, ठीक है। तो जो TSH होता है, जिन्होंने भी थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कभी कराया हो, राइट, या जो जो इनको ये प्रॉब्लम है वो समझेंगे कि TSH क्या है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का एक टेस्ट आता है, और फिर दो और टेस्ट आते हैं T3 और T4। तो वो TSH को नॉर्मल करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरकार है, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, हमने वेट मैनेजमेंट के सेशन में देखा था कि आप जितना कंज्यूम करते हो कैलोरीज, आप जितनी कैलोरीज डाइट से लेते हो उससे ज्यादा आपको बर्न करना है, तब आप कह सकते हो कि ये आपका मेटाबॉलिज्म हाई है। अगर आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उससे बहुत कम, बहुत ही कम बर्न कर रहे हो, तो दैट मींस आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। और अगर आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आप बर्न भी कर रहे हो, देन यू हैव अ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ओके। सो आपका बढ़ाना है अगर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो जब ये ठप पड़ जाता है, जब ये काम करना इतना इफेक्टिव नहीं होता है थायराइड, तब आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए कुछ और की जरूरत पड़ती है। तो ये कैप्सूल हेल्प करेगा आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो भी वेट गेन हुआ है आपका, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ये नॉर्मल कर देता है, तब आपका वेट जो गेन होता है वो भी घटने लगता है। So, ये उनको भी दे सकते हैं जिनको थायराइड की वजह से जो ओबेसिटी आई है। तीसरा फायदा इसका ये है कि ये पीरियड्स को रेगुलर करता है। किसी को अगर अनियमित मासिक की समस्या है, इररेगुलर पीरियड्स,
उनको आप, और अगर थायराइड भी है डेफिनेटली तो, या फिर ओबेसिटी भी है साथ में, तो आप उनको ये जरूर दें, ठीक है। डायूरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी इन एक्शन हेल्प्स क्योर एडिमा, ये आपका एक्सेस वाटर रिटेंशन हटाता है। एडिमा का मतलब है बॉडी के अंदर पानी जो जमा हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है, राइट। तो उन औरतों के केस में भी ये बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होता है। जितनी भी एनर्जी आपकी कम हो गई है थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से, वो आपकी वापस आती है एंड इस प्रोडक्ट से। इसके अंदर है मुलेठी जिसको लिकोरिस कहते हैं, अश्वगंधा, बकोपा मोनेरी यानी कि वो एक ऐसा एक हर्ब आता है, ब्लैक वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स एंड गुगुल। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो है आपके वो इस कैप्सूल के अंदर है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। लिकोरिस, अश्वगंधा, इन दोनों के ऊपर थायराइड के रिलेटेड बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत फायदेमंद साबित हुआ है ये, इवन गूगल। ओके, कितना लेना है ये, कैसे लेना है? 1 to 2 कैप्सूल्स इन अ डे। आप दो बारी भी ले सकते हो, दोपहर में या मतलब दोपहर और रात को पानी के साथ, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रोडक्ट, सॉफ्ट जेल, फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल। ओके, तो फ्लैक्सीड्स क्यों इंक्लूड किया मैंने आपको? मैंने एक स्लाइड दिखाई थी मेटाबॉलिक हेल्थ की, राइट। उसमें क्या है, शुगर लेवल्स और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी मेटाबॉलिज्म में आते हैं, करेक्ट। तो आपकी शुगर लेवल्स, आपकी ओबेसिटी यानी मोटापा और आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर अगर आप जूझ रहे हो इन समस्याओं से, खास करके मेनोपॉजल वुमेन, मेनोपॉज में फ्लैक्सीड्स आर एक जैसे कि एक वरदान है। ओके, सो आपको फ्लैक्सीड ऑयल की कैप्सूल्स लेना मैं सलाह दूंगी। ये आपका बॉडी वेट भी कम करेगा, वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि पेट के ऊपर जो चर्बी है वो, और आपका बीएमआई यानी कि बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, आपके हाइट और वेट का रेशियो, राइट। सेकेंड, ये आपके हार्ट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, राइट। इसके अंदर लिग्निंस है, डाइट्री फाइबर है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इन्फ्लेमेशन कम करती है फ्लैक्सीड के अंदर। अब ये एक थर्मोजेनिक फूड है। थर्मोजेनिक फूड का मतलब क्या है, ये गर्मी पैदा करता है, ये थोड़ा गर्म होता है, तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है कुदरती रूप से। तो अगर आपको ये समस्या है कि आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसी चीज लेने की जरूरत है जो थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी। तो फ्लैक्सीड इज अ थर्मोजेनिक हर्ब, ओके, तो ये आप ले सकते हो सॉफ्ट जेल। कैसे लेना है, एक सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार, सुबह शाम, इस तरह से आप ले सकते हो, सुबह में एक, शाम को एक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोटीन पाउडर। हाँ, तो ये वेट लॉस के लिए और ये उनके लिए जिनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम है डाइट में। अगर आप एक वेजिटेरियन हो, अगर आप आपके डाइट में डेली प्रोटीन आपका सफिशिएंट नहीं हो रहा है, राइट, तो आप इस प्रोडक्ट का सहारा ले सकते हैं आपका प्रोटीन बढ़ाने के लिए। ये आपको इतने फायदे देगा कि ये क्लीन प्रोटीन पाउडर है, ओके, ये बना है हाई क्वालिटी नेचुरल हर्ब से, जैसे कि शतावरी और अश्वगंधा। अब शतावरी का आगे मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी फॉर स्पेशली वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। इसका टेस्ट अच्छा है, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है पानी या दूध दोनों के साथ, और इसके अंदर जो क्लीन प्रोटीन कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज नहीं ऐड करी हुई है जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी, ये क्लीन प्रोटीन है, ओके। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है आपका, एपेटाइट कम होता है आपका, और आपको अगर वेट लॉस करना है तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज स्पेशली वुमेन की बॉडी को ध्यान में रख के बनाया गया है। शतावरी इसके अंदर है, अश्वगंधा जैसे हर्ब्स है जो वुमेन्स हेल्थ को अच्छा करते हैं, फैट कम करेंगे और मसल को कम नहीं होने देंगे। तो ये आपने देखा था ना, वेट मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि फैट कम करना चाहिए, मसल नहीं कभी भी, राइट। तो मसल को बरकरार रखता है और इनफैक्ट स्ट्रेंथन करता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप जब एक्सरसाइज करोगे, ये प्रोटीन पाउडर के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करोगे, तो आपका मसल मास बढ़ेगा, आपको वेट सस्टेन करने में मदद मिलेगी, यानी कि वेट लॉस आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इन
उनके केस में भी ये इफेक्टिव है जिनको मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, जो जो खुराक उनको अच्छे से, मतलब यू नो एकदम कुपोषण के लक्षण आपको दिखते हैं, जो बहुत ही पतली है, उनको भी आप दे सकते हो, नॉर्मल वेट पे आ सकती है ये। अब आप पूछोगे कैसे मैम, आपने तो लिखा ये वेट लॉस के लिए अच्छा है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। ये आपका वेट नॉर्मल करता है, ना बढ़ाता है ना कम, बढ़ाता है यानी कि अगर मेरा वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो कम करके नॉर्मल पे लाएगा, और अगर मेरा वेट कम है तो वो उसको भी नॉर्मल करके, बिकॉज मसल मास बढ़ेगा आपका, और मसल मास अगर बढ़ेगा तो आपका वेट भी बढ़ेगा और नॉर्मल पे लेकर आएगा, राइट। सो वेट नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर है वे प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन, ये 500 ग्राम्स के पैकेट में आता है, इसको आप लेना है एक एक या दो स्कूप एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ या मिल्क के साथ, ठीक है। स्पेशली एक्सरसाइज करने के बाद लीजिए इसको, अगर आप वॉक पे जाते हो या योगा करते हो या आप जिम करते हो या कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, व्हाटएवर, तो आप उसके 15-20 मिनट के अंदर अंदर, कभी भी कोई भी प्रोटीन पाउडर एक्सरसाइज के 20 मिनट के अंदर ही ले लीजिए, ताकि उसके ज्यादा फायदे मिले आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। इज एवरीबडी क्लियर? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, राइट। ओके, चलिए लेट्स गो अहेड, बात करते हैं स्किन और हेयर हेल्थ की। तो आपकी त्वचा और आपके बालों को किस तरह से हेल्दी रखना है, हमने एक वेबिनार पूरा किया था स्किन एंड हेयर हेल्थ पे, बट सिंस औरतों को ये बहुत करीब होता है, दिल के करीब होता है ये टॉपिक, है ना, क्योंकि अब मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी है। स्किन हमेशा हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, कभी कोई एक्ने ना आए, मुहासे ना आए, कभी रिंकल्स ना आए, ये सारी चीजें हमारे हमारी लिस्ट में होता है, विश लिस्ट में होता है ना। ओके, तो लेट्स सी कि क्या सप्लीमेंट्स है या क्या प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, गैनोडर्मा की मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, ये मशरूम से बनता है, रेशी मशरूम्स नाम का एक प्रजाति आती है मशरूम्स की, उसके उसके एक्सट्रैक्ट से बना है। ये आपके स्किन में इंफ्लेमेशन कम करता है, सॉरी तो एक्ने हो गया या सराइसिस हो गया, ये उस टाइप की बीमारियों को रोकता है, प्री मेच्योर एजिंग हो गया, यानी कि एज से पहले आपकी स्किन एजिंग होने लगी है, आप होंगे 30 साल की पर आपकी स्किन लगती है 45-50 साल की उम्र की, तो उसका मतलब है प्री मेच्योर एजिंग। या अगर आपको एक यूथफुल टाइट और ग्लोइंग स्किन चाहिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर दैट। फ्री रेडिकल्स को डैमेज, आपके सेल्स को डैमेज करने से बचाता है। पफिनेस, ये जो आंखों के नीचे पफिनेस है, या कभी कभी हमें लगता है कि मुंह पूरा हमारा चेहरा फुला हुआ है, उस केस में उस प्रॉब्लम्स में मदद करता है। रिंकल्स यानी कि झुर्रियां, जो झुर्रियां आती है यहाँ आंखों के आसपास और लिप्स के आसपास, उस झुर्रियों से आपको बचाता है, क्योंकि इसके अंदर एक खासियत है कि ये स्किन को एकदम मॉइस्चराइज करता है, स्किन को एकदम प्लम्प बनाता है, तो झुर्रियां आने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। ओके, नए सेल्स बनाने में मदद करता है, तो स्किन के जो डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाते हैं, और अंदर जो नीचे जो एक फ्रेश लेयर होता है स्किन का, उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है आगे आकर एक ग्लोइंग स्किन देने के लिए, ठीक है। इसको दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल, डिपेंडिंग ऑन आप और कौन से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ गैनोडर्मा ले रहे हैं तो आप दिन में 2 कैप्सूल्स भी 2 बार ले सकते हो, ठीक है। पर अगर आप मान लो कोई और श्रेणी का कोई प्रोडक्ट उठाते हो लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो आप 1 कैप्सूल से भी चला अभी शुरू कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस, ये हेयर स्किन नेल्स तीनों के लिए काम करता है। ओके, नाखून के ऊपर प्रॉब्लम होता है ना कि टूट जाते हैं बार बार, तो उसके लिए भी है, अच्छा है ये। बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स देता है आपको, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, यानी कि जब आपके रूट, ये जो बालों के रूट से आपके, अगर वो हेल्दी रहेंगे तो आपको कभी हेयर फॉल की समस्या भी बार बार नहीं होगी।
तो ये आपका एक हेयर ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर है हल्दी, इसके अंदर है रोज, इसके अंदर है नीम, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, चंदन, कैलामाइन एंड ग्लिसरिन। ये सारी चीजें ब्यूटी रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, और इसको कितनी बार लेना है? दिन में 2 बार ले सकते हो आप, एक या दो कैप्सूल, डिपेंडिंग आप और क्या ले रहे हो उसके साथ, ठीक है। और क्या है स्किन और हेयर के लिए? ये तो कैसे हम भूल सकते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा है ही एक, उसको उसको आयुर्वेद में नाम दिया गया है घृत कुमारी, राइट। कुमारी यानी कि ये एक एक फीमेल हर्ब की तरह देखा जाता है, क्योंकि इसके फायदे जो है औरतों के लिए बहुत 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 ज्यादा है, राइट। सो ये आपके पीरियड्स को भी रेगुलर करता है। यस, आपने सही सुना, आपको ये पीसीओएस वगैरह में भी बहुत हेल्प करता है। मैंने खुद अपने पेशेंट्स के ऊपर ये देखा है फायदा। एलोवेरा के बहुत फायदे हैं पीसीओएस के लिए, बट अगर हम यहाँ पे स्किन और हेयर की बात कर रहे हैं तो उसके फायदे देख लेते हैं। आपको स्किन और हेयर हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B1, B2, B3 है, B6 है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर एंड मैंगनीज। क्या नहीं है इसके अंदर, सब है। और इसीलिए इसको एक कंप्लीट वुमेन्स हर्ब कहते हैं, बिकॉज ये एक औरतों के शरीर के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है, राइट। पूरा हेल्थ आपका इससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप इसको कंटिन्यू भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 3 महीना लेना है या 6 महीना लेना है, पूरे साल भी ले सकते हो। एलोवेरा विल जस्ट एनहांस आपकी जो खूबसूरती है उसको निखारेगा, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब आप स्किन के रिलेटेड समझ जाइए कि एक्ने नहीं होने देगा आपको, ठीक है, और कोई भी तरह का रैशेज वगैरह नहीं होने देगा, एलर्जीज नहीं होने देगा। दूसरा है नीम। तो नीम और तुलसी, अब नीम और तुलसी के क्या फायदे? नीम को पता है ना आपको, एंटी एक्ने हर्ब कहा गया है। जब भी आपको, जिनको भी मुहासों की समस्या है, जिनको भी बार बार रैशेज होते हैं या एक्ने आते हैं, उनको हम नीम लेने की सलाह देते हैं, करेक्ट। क्योंकि एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, राइट। और ये आपके बॉडी के अंदर सारा इंफ्लेमेशन कंट्रोल करके आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, ठीक है। जिनको डैंड्रफ की भी समस्या है वो भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ये नीम तुलसी टैबलेट्स जो है वो आपके स्कैल्प के ऊपर जो फंगस होता है, डैंड्रफ इज नथिंग बट दैट, राइट, तो उसको कम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, बैक्टीरिया को रोक के आपके एक्ने को और रोकेगा। ये इंफेक्शंस और रैशेस जैसे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर को भी ठीक कर सकता है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, एक या दो कैप्सूल्स दिन में 2 बार, ठीक है। तो अगर आपको स्किन और हेयर हेल्थ की इश्यूज है तो आप एक गैनोडर्मा ले सकते हो और एक नीम तुलसी ले सकते हो, या आप गैनोडर्मा ले सकते हो और एलोवेरा ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपको एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नीम तुलसी लीजिए, और उसके साथ साथ मल्टी ब्यूटी प्लस या गैनोडर्मा लीजिए, ठीक है। तो उसमें से एक और इसमें से एक, इस तरह से भी आप ले सकते हो। इज इट इजी नाउ? बहुत बहुत सिंपल है समझने में, राइट। आपको आपको सहूलियत हो रही है समझने की? यस, हाँ जी। सुबोध जी, मैं वो क्वेश्चन पे बाद में आऊंगी, आप कौन से, क्योंकि कौन से टैबलेट के बारे में बोल रहे हो मुझे पता नहीं है। अब टैबलेट का नाम मेंशन कर सकते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है जी। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो प्रोडक्ट्स हैं, और ये तो आपको पता ही होगा अब क्या आ रहा है आगे, राइट। वो है डेफिनेटली 16 बेरीज जूस एंड अपना एक्टिवेटेड, वो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो 16 बेरीज जूस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 16 प्रकार की बेरीज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको पैकेट पे भी दिखाई दे रहा होगा। हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। अगर आपको बुढ़ापा जो है, स्किन का जो एजिंग है कम करना है, तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है उसके लिए, क्योंकि बेरीज के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ब्लूबेरीज मिलती है इंडिया में? नहीं मिलती है। क्या आपको रास्पबेरीज मिलती है? मतलब मुश्किल से मिलती होंगी। स्ट्रॉबेरी भी सीजनल होती है, राइट। असाई बेरी आपने शायद नाम सुना नहीं होगा, वो मिलती भी नहीं है,
है ना. और बहुत सारी ऐसी बेरीज होती है, ब्लैक बेरीज राइट, वो मलबेरीज होती है, मलबेरीज भी गांव में मिलती है, मैंने यहाँ पे शहर में तो कहीं पर नहीं उगती हुई देखी है. तो इसके फायदे आपको मिलेंगे कैसे, ये जो फूड्स है वो आपको मिलते ही नहीं है आपके देश में, तो आप ये जूस का इस्तेमाल करें, है ना. वो सारी खूबियां हैं, वो सारे बेरीज के जितने भी फायदे हैं वो सारे इसके अंदर है. 16 प्रकार की बेरीज है, इट्स लाइक अ मिरेकुलर जूस. ओके, और ये इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, साथ साथ में आपके स्किन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कम करता है, तो एंटी एजिंग का काम करता है, आपको हमेशा एक यूथफुल और जवान लुक देता है राइट. पिगमेंटेशन कम करता है क्योंकि इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स है वो स्किन को काला नहीं पड़ने देती है. ओके, इसको एक्ने के लिए भी लिया जा सकता है, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट यानी कि मॉइस्चराइज रखता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि उसके अंदर उतने फायदे हैं उसके. ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिवेटेड ब्लैक एलोवेरा, एक्सेलेंट फॉर स्किन रिलेटेड इश्यूज. आपके गट को क्लीन करता है, आपको अंदर से ही एकदम पूरा कचरा साफ कर देता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, गट को साफ रखता है, टॉक्सिन्स निकालता है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो उससे क्या होगा, जैसे आप अंदर हो वैसे आप बाहर दिखोगे, स्किन और हेयर में झलकेगा आपका हेल्थ राइट. तो पेट साफ करना बहुत जरूरी है, डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है. अगर आपको स्किन में कोई कट्स वगैरह है वो भी आपको हील हो सकता है इससे, आप अपनी स्किन और हेयर को हेल्दी रख सकते हो. सुपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, डिटॉक्सिफाई करता है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करता है. आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो जो आपका प्रॉब्लम है. अगर आपका प्रॉब्लम एंटी एजिंग है, अगर आपको एजिंग कम करना है तो ये लीजिए, अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आप ये लीजिए. ठीक है, आप 3-3 महीना अल्टरनेट भी कर सकते हो, 3 महीना 16 बेरीज लिया, 3 महीना एक्टिवेटेड ब्लैक एलोवेरा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दीज आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे. ठीक है, 10-15 ml दिन में 2 बार गर्म पानी या लुकवार्म वाटर के साथ आप ले सकते हो. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ रही है, कितने लोगों को, ओके ये सवाल पूछना नहीं है मुझे, बट कितने लोगों को आप जानते हो जिनको मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, नियमित नहीं आना मासिक, है ना. मासिक सभी जानते हैं राइट, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है सभी जानते हैं. यहाँ पे जितने मेन है वो भी जानते हैं कि एक औरत के लाइफ में ऐसा फेज आता है एवरी मंथ 5 दिनों के लिए, 4 से 5 दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है राइट, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो वो एक फर्टिलिटी का एक प्रतीक है राइट. मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक नॉर्मल फेज है एक महिला की लाइफ में, पीरियड्स जिसको हम कहते हैं या मासिक जिसको हम कहते हैं हिंदी में. ठीक है, ओके, सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है जो मेंस्ट्रुअल समस्याएं आपकी सुलझा सकता है, और वो है एक सिरप जिसका नाम है वोमिकेयर एफ सिरप. ओके, सो वोमिकेयर क्या करता है, वुमेन की केयर के लिए, इसीलिए इसका नाम है वोमिकेयर. ओके, ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है. ठीक है, तो जितनी औरतों को ये प्रॉब्लम है या जिनको आप जानते हो जिनको ये इश्यू है कि नियमित मासिक नहीं आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है राइट, तो वो सारी चीजों के लिए आप ये इनको दे सकते हो. ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया यानी व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है. ओके, पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरीज यानी कि जो अंडाशय होता है उसके अंदर सिस्ट हो जाते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से मासिक नियमित नहीं आता है, चेहरे पे फेशियल हेयर आता है, एक्ने आता है, उन सभी को दे सकते हो आप. आपको यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए, एक फर्टिलिटी और सेक्सुअल विगर बढ़ाने के लिए, लिबिडो बढ़ाने के लिए. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल करता है, अच्छे से ब्लड फ्लो को प्रमोट करता है, ज्यादा हैवी नहीं होता है ब्लड फ्लो आपका, तो जिनको हैवी ब्लड फ्लो की भी समस्या है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, और जब आप हार्मोन्स को बैलेंस करोगे इस जूस के साथ वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, ये एक कंडीशन है जो महिलाओं को होती है, एंडोमेट्रियोसिस नाम है इसका. ये क्या होता है, यूट्रस यानी कि जो आपका गर्भाशय है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है
जो अल्टीमेटली एवरी मंथ शेड हो जाती है, राइट, उसका इन्फ्लेमेशन होना, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस. इंटरनल लाइनिंग, अंदर अंदरूनी जो लाइनिंग होती है, अंदर का जो भाग होता है गर्भाशय का, उसका इन्फ्लेमेशन, मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से एंडोमेट्रियोसिस नाम का प्रॉब्लम होता है, उन महिलाओं को भी आप दे सकते हो. अगर आपको सिस्ट हुए हैं और फाइब्रॉइड्स भी हुए हैं, तो कितनी महिलाओं को फाइब्रॉइड्स का इश्यू रहता है, राइट, एक अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है यूट्रस के अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, तो वो आप जो है वो कम कर सकते हो उससे. ये एक यूटराइन टॉनिक है और आपके मासिक के दौरान आपको क्रैम्प से बचाता है. अगर कितने लोगों को यहाँ पे मासिक के दौरान पेन होता है ना, क्रैम्प्स आते हैं, नॉर्मल है, बट ज्यादा आना भी नॉर्मल नहीं है, तो ये टॉनिक आप ले सकते हो. इसके अंदर है लोदरा, अशोक, धात की पुष्प, आंवला, इसके अंदर है दारू हरिद्र, पिपली, मंजिष्ठा, सूंठ, ये सारी चीजें, आम यानी मैंगो एक्सट्रैक्ट्स, मुस्ताक, ये सारी चीजें विमेन के हॉर्मोन्स के लिए है. ओके, इसके अंदर आंवला, विभिक्की और ये हरितकी यानी कि त्रिफला है, ठीक है, ये सारी चीजें हेल्प करेगी आपके पीरियड्स को रेगुलर करने की, आपके फ्लो को नॉर्मल करने की, और आपको पीसीओएस और जो यू नो एक सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है अगर आपका एक एज के बाद, वो सॉल्व करने में मदद करेगा. ठीक है, इसको लेना है 5 ml. 5 ml का जो कैप आता है या स्पून आती है, स्पून के माध्यम से अगर देखें तो 1 चम्मच यानी कि 5 ml छोटा चम्मच जो होता है, ये दिन में आपको 2 बार लेना है. ठीक है, दूसरे कैटेगरी दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं और वो है आपका वर्मिकेयर कैप्सूल के रूप में. वो हमने देखा था वर्मिकेयर सिरप के रूप में, ये हम देखेंगे वर्मिकेयर कैप्सूल के रूप में. अब ये भी सेम चीजों पे काम करता है. अगर आपको यूट्रस का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित है, इरेगुलर है, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उन सभी के लिए. पेनफुल पीरियड्स आते हैं, दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, सिस्ट होता है ओवरी में, वो अगर आपको हो रहा है, अनियमित मासिक आता है, हीमोग्लोबिन कम है, वाइट डिस्चार्ज होता है, ये सभी चीजें जो हमने देखी, उसके अलावा कुछ और भी अलग चीजें हैं कैप्सूल्स में. इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, गुड़ुची है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो. ठीक है, दिन में 2 कैप्सूल आप 2 बार ही ले सकते हो. नेक्स्ट इज वुमेन शक्ति सिरप. इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है उससे क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है ये. अगेन अनियमित मासिक की समस्या से आप बच सकते हो. गायनेक रिलेटेड कितने इश्यूज होते हैं, फाइब्रॉइड्स, मिसकैरेजेस, अगर किसी को हुआ है तो आप ये दे सकते हो. आपके यूटरस को स्ट्रांग बनाता है ये, गर्भाशय को मजबूत बनाता है. ठीक है, इसके अंदर है अशोक, आंवला. ये जो अशोक है ना, आपने देखा भी होगा बाहर, बहुत जगह पे देखा होगा आपने, एक लाल कलर का फूल होता है वो पेड़ का. ओके, बहुत बहुत फायदेमंद है ये विमेन हेल्थ के लिए आयुर्वेद में. अशोक की छाल भी यूज होती है, अशोक के पत्ते भी यूज होते हैं. ठीक है, तो अशोक इज वेरी गुड फॉर विमेन हेल्थ. आंवला है, सोंठ है, लोधरा है, गिलोय है, ये सारी चीजें, शतावरी है इसके अंदर, देखिए अश्वगंधा है, ये सारी चीजें आपको फायदा करेगी. दिन में 1 या 2 टीस्पून, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद. ठीक है, ओके. अब एक स्प्रे है, ये थोड़ा अलग प्रोडक्ट है. ये स्प्रे आप पेन रिलीफ के लिए यूज कर सकते हो. तो जिनको बहुत दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, आप ये डिटॉक्स स्प्रे यूज कर सकते हो. मैंने खास करके इंक्लूड किया है विमेन्स हेल्थ में. आप में से कुछ लोग जो जानते हो ये प्रोडक्ट को, आप सोचोगे कि क्यों इंक्लूड किया है मैम ने ये इसीलिए किया है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करता है. देखिए आप, मैंने आप सबसे पहला पॉइंट वही लिखा है यहाँ पे, आपको दर्द और इन्फ्लेमेशन से राहत दिलाता है. तो ये उनके लिए फायदेमंद है जिनको क्रैम्प्स आते हैं, जिनको मासिक के दौरान बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा होती है कमर में और पेट के आसपास, राइट, तो उनको आप ये दे सकते हो.
जितना जहां पे जो एरिया में पेन हो रहा है वहां पे स्प्रे कर सकते हो आप एट अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है? ओके, अब आते हैं सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। तो जो महिलाओं को सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, देखिए अब हम वो जमाने में है जहाँ पे हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये इन चीजों के बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अभी नेक्स्ट दो दिन के बाद मैं आपको मेंस हेल्थ का एक टॉपिक आ रहा है, राइट, दो दिन के बाद सॉरी अगले हफ्ते मेंस हेल्थ का टॉपिक लेकर आऊंगी मैं, उसमें भी हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करेंगे। तो दिस इज नॉर्मल, ओके? तो किसी को भी ये एक क्या कहते हैं, संकोचन होता है बात करने में या यू नो सुनने में, वो मत रखिए आप, ठीक है? ओके, सो सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे शी केयर कैप्सूल की। ये है एक पावरफुल कैप्सूल जो जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं के अंदर, जो एक डिजायर, एक इच्छा कम हो जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी की, वो आपको बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि आपके हार्मोन लेवल्स कम हो जाते हैं एज के साथ, और एज के साथ ये समस्या बढ़ जाती है, ठीक है, कि इच्छा कम हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप एज से पहले आपको ये प्रॉब्लम हो गया है, तो आप शी केयर कैप्सूल भी ले सकते हो। आपका सेक्सुअल ड्राइव बढ़ाता है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है। सेक्सुअल ड्राइव को लिबिडो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो जो सेक्सुअल की इच्छा होती है वो आपका लिबिडो उसको कहा जाता है, वो विमेन में बढ़ाता है, ठीक है? आपका स्टैमिना और परफॉर्मेंस बढ़ाता है, डेली एनर्जी लेवल बनाए रखता है, ठीक है? शतावरी है इसके अंदर। शतावरी आई थिंक मैंने पहले भी कहा है ये कि शतावरी का मतलब ये है 100 यूजेस है इसके, शत आवरी यानी कि कितने सारे यूजेस है इसके। तो इसके शतावरी के जो फायदे है ये प्रोडक्ट के अंदर, वो ये है कि आपकी लिबिडो को इम्प्रूव करता है। इतने रिसर्चेस हुए हैं और रिसर्चेस में ये पाया गया है, सारे रिसर्चेस में, कि शतावरी और सेक्सुअल हेल्थ का कनेक्शन बहुत गहरा है, ठीक है? शिलाजित है इसके अंदर, विच इज अगेन अ सेक्सुअल हर्ब, राइट? इसके अंदर ये भस्म है, वांग भस्म और अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म भी है, रस सिंदूर है, अश्वगंधा है और गोक्षुरा है, ठीक है? अर्जुन की छाल है, ठीक है? इसको कैसे लेना है, दिन में 2 कैप्सूल आप ले सकते हो 2 बार। अगर आप और कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो पहले की जो मैंने बताया है, तो आप 1 कैप्सूल भी ले सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत मतलब आपको ऐसा ना लगे कि मैं कैप्सूल ही कैप्सूल खा रही हूँ पूरे दिन, ठीक है? आप 1 कैप्सूल से शुरू कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा मतलब अगर आपको ज्यादा राहत नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो अहेड विद 2 कैप्सूल्स। इज एवरीबॉडी क्लियर? यस, सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर? यस, ग्रेट ग्रेट, कूल। अच्छा, जब आप सवाल पूछते हो ना सर जी मैडम जी जो भी है सवाल पूछते हो ना, तो ये ले सकते हैं, ये मत लिखिए, नाम लिखिए प्रोडक्ट का, क्योंकि कौन से मैं तो चैट बाद में देखूंगी, पर मैंने अभी एक सवाल देखा, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट का नाम लेकर बात करिए, क्योंकि मैं समझूंगी नहीं ना कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो खुद शतावरी ले सकते हो, खुद शतावरी नाम का जो आयुर्वेदिक कैप्सूल है वो आप दे सकते हो, अगर आपका सेक्सुअल ड्राइव कम है तो। अगर आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी में, आपका लिबिडो कम है, आपकी एनर्जी के अंदर प्रॉब्लम है, एनर्जी लेवल्स के अंदर, शतावरी इज द बेस्ट हर्ब दैट यू कैन गिव फॉर दिस पीपल, फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, ओके? आपका सेक्सुअल ड्राइव बढ़ाता है, आपका ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। तो अगर ईस्ट्रोजन, मैंने आपको बताया था एक फोटो में, जब एज बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, एक फोटो दिखाया था आपको मैंने वो पिक्चर, तो ईस्ट्रोजन को रेगुलेट करता है। अगर आप 45 के भी हो, 50 के भी हो, आप ये शतावरी ले सकते हो, जिससे आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है बॉडी के अंदर। ये एक हार्मोन है जो महिलाओं के अंदर पैदा होता है, और उसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि जो एग रिलीज होता है हर महीना। तो आपको अगर आपको मासिक की भी समस्या है, क्योंकि एग रिलीज ही नहीं हो रहा है, PCOS की भी प्रॉब्लम से आप शतावरी ले सकते हो, ठीक है? इनफर्टिलिटी इश्यूज से भी आपको राहत देता है। कितने लोगों को, कितने कपल्स को हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी, बहुत सालों से इनफर्टाइल है, बच्चे नहीं होते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि बच्चे नहीं हो पाते हैं, कंसीव नहीं हो पाता है, राइट? तो उनको भी शतावरी के इतने रिसर्चेस मैंने देखे हैं कि फायदा हुआ है, तो उनके लिए एक होप है ये,
ओके, जिनको बच्चे चाहिए पर नहीं हो रहे, ठीक है, ओके. एंडोमेट्रियोसिस, जो मैंने अभी आपको कहा कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, राइट. किसी किसी की ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स, ट्यूब्स होती है ना यूट्रस के अंदर, यूट्रस के साइड पे, राइट. फाइब्रॉइड्स होते हैं और ओवेरियन सिस्ट होते हैं, आप इन सभी केसेस में दे सकते हो शतावरी, ठीक है. एक टैबलेट दिन में दो बार ले सकते हो, 15 से 30 मिनट खाना खाने के बाद. ओके, नेक्स्ट इज हैप्पी फीलिंग ऑयल. ये एक ल्यूब्रिकेंट है, ये ल्यूब्रिकेंट से भी ज्यादा एक फर्मनेस देता है आपको. ओके, इट्स अ फर्मिंग ऑयल. किसी किसी महिलाओं को ये समस्या होती है कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन है आपका वेजाइना, राइट, वो थोड़ा सा सैग होने लगता है, लूज होने लगता है, बिकॉज आप यू नो डिलीवरी की वजह से या एज की वजह से वो एरिया जो है वो सैग होने लगता है. इसकी वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होती है, सेक्शुअल प्रॉब्लम्स होती है, खास करके यूरिनेशन में प्रॉब्लम्स होती है, या तो यूरिन भी पास हो जाती है कभी कभी छींक खाने से या खांसी खाने से. इन चीजों से शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इन चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ये चीजें हो रही है, है ना, तो उनके बारे में बात करके उसका निवारण लाने की जरूरत है. मैं ये मानती हूँ शर्माने की जरूरत नहीं है किसी से, ठीक है, बट यस यू शुड गो एंड डू समथिंग, कुछ करना चाहिए उसके बारे में. तो ये ऑयल है जो आपको यू नो ये फर्मनेस लाता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपका जो है वजाइना, अगर आप इसको नियमित तरह से लगाते हो तो, ठीक है. आंवला है, घृत कुमारी है, दालचीनी है, जायफल है, लौंग का तेल है, तिल का तेल है और ऑलिव ऑयल है इसके, और नाग केसर है. इसको आपको 4 से 5 ड्रॉप्स हाथ में लेना है और वजाइना पे डायरेक्टली जेंटली मसाज करना है. ओके, अब लास्ट श्रेणी पे आते हैं. आपकी मम्मी, आपकी चाची, आपकी आप खुद अगर वो एज में हो आप, या आपकी पड़ोस में कोई है, आपके कोई यू नो रिलेटिव्स में कोई है जो मेनोपॉजल है या जो मेनोपॉज से गुजर रहे हैं या जिनको जस्ट शुरू हुआ है मेनोपॉज या मेनोपॉज हो चुका है, उनके लिए 2 प्रोडक्ट्स है. और वो प्रोडक्ट्स है, एक तो है कैल्शियम एंड D3, बिकॉज आपने देखा ना मेनोपॉज में बोन लॉस होता है, राइट. सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है बोन लॉस, क्यों? अच्छा, सवाल ये पूछती हूँ मैं आपको, चैट बॉक्स में लिखिए कि क्यों बीमारियां ज्यादा आती है मेनोपॉज में, बताइए क्यों बीमारियां क्यों ज्यादा आती है, क्या ऐसा खत्म हो जाता है, क्या ऐसा कम हो जाता है, एक हार्मोन है जो कम हो जाता है? नहीं, एज फैक्टर तो ठीक है, मैं हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ. नहीं, पीरियड्स नहीं होने के कारण कौन सा हॉर्मोन कम हो जाता है? यस यस सुकंता जी एंड संजय जी, यू आर राइट, ईस्ट्रोजन. ओके, तो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो कैल्शियम अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है आपका. कैन यू बिलीव दिस, ना दोनों रिलेटेड है. अगर आपका ईस्ट्रोजन कम हो गया तो आपका कैल्शियम भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा खाने से. और अगर आपका बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो जाइए उस सेशन में जो मैंने बताया था आपको एक बार, बोन हेल्थ के सेशन में बताया था. तो जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो ब्लड कहाँ से अपना कैल्शियम मेंटेन करता है, बताइए चैट बॉक्स में फटाफट, कहाँ से लेता है वो कैल्शियम? एक स्टोर हाउस है कैल्शियम का. यस संजय जी, सुपर्ब सुपर्ब, रियली प्राउड ऑफ यू. बोन से लेता है वो, हड्डियों से निकालता है कैल्शियम और ब्लड का कैल्शियम मेंटेन रखता है, क्योंकि ब्लड में तो कैल्शियम मेंटेन होना चाहिए कुछ भी हो जाए, भले बोन में रहे या ना रहे, ठीक है. तो ये होता है आपके बॉडी के अंदर. वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छे से आप यू नो इंटरैक्ट करते हो हमारे साथ, ट्रेनर्स के साथ, ट्रेनर्स को भी अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच गाइज. ओके, सो ये कैल्शियम जो है आपका कम हो सकता है बोन से, बिकॉज आपके ब्लड कैल्शियम ही कम हो जाते हैं. और ब्लड कैल्शियम कम हो गया क्योंकि आपका अब्सॉर्प्शन कम हो गया है, तो वो बोन से निकाल के अपना यू नो अपना पेट भरता है ब्लड, है ना. तो इसीलिए आपको खाने में उतना कैल्शियम मिलना चाहिए ताकि ब्लड जो है वो बोन को डिस्टर्ब ना करे, उसके पास अपना खुद का कैल्शियम हो तो वो उसको परेशान ना करे. सिंपल समझने में, राइट. तो आप खाने में कैल्शियम वाली चीजें भी लीजिए, विटामिन डी वाली चीजें भी लीजिए, मॉर्निंग सनलाइट भी लीजिए,
पर अगर आप मेनोपॉजल है तो आपको उतना इनफ नहीं होगा. मैं आज भी बोल रही हूँ, उस दिन भी बोला था कि उतना इनफ नहीं होगा क्योंकि आपकी जरूरत ज्यादा है बॉडी की. ओके, आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है अगर आप मेनोपॉजल है. मैं ये वापस रिपीट कर रही हूँ बिकॉज नहीं, कुछ लोग ना उनको ये लगता है कि सिर्फ सनलाइट से इनफ हो जाएगा या सिर्फ डाइट्री कैल्शियम से इनफ हो जाएगा. दूध पीते रहते हैं पूरा दिन पर वो कैल्शियम नहीं मिलने वाला है आपको क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन नहीं है, आपको एक्स्ट्रा चाहिए. समझ रहे हो आप? तो आपको एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम च्यूएबल टैबलेट्स लीजिए आप, आपको ये विटामिन डी भी देगा, कैल्शियम भी देगा. विटामिन डी क्यों जरूरी है? क्योंकि वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, राइट? तो ये आपका एक बेस्ट प्रोडक्ट है. इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी थ्री है. एक कैप्सूल दिन में दो बार आप च्यू करके ले सकते हो. सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ल्यूकवार्म वाटर लिख दिया है, ये च्यूएबल टैबलेट है. आई एम सो सॉरी. ओके, ये एक मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है. ओके, चलिए सीएमडी प्लस दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं. ओके, सीएमडी प्लस क्या करता है? कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी, ये नाम याद रखिए, सीएमडी. तो ये आपको तीनों न्यूट्रिएंट्स देता है, तीनों पोषक तत्व देता है, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, जो बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है. इसको 78 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड है सी वाटर से भी ज्यादा. तो सोचिए इसका कितना ज्यादा असर होगा. 10 ड्रॉप लेने हैं गुनगुने पानी के अंदर दिन में दो बार अगर आप मेनोपॉजल है और आपका कैल्शियम लेवल्स कम है. और हाँ, जितनी भी महिलाएं हैं जो मेनोपॉज से गुजर रही है वो अपना सीरम कैल्शियम लेवल टेस्ट करवाएंगी 6 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार. तो साल अगर आप 4 महीने में एक बार कराते हो तो साल में 3 बार आपको कराना पड़ेगा सीरम कैल्शियम टेस्ट. ये एक टेस्ट आता है जो किडनी प्रोफाइल के अंदर आता है, सीरम कैल्शियम टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि ब्लड में कम है या नहीं. अगर ब्लड में कम है तो क्या होगा? बोन में भी से भी कम होने लगेगा क्योंकि वो ब्लड जो है वो बोन से निकालेगा. ठीक है, ओके. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो आई होप आपको ये सभी को समझ में आया है ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी आपको आपके प्रति आपके सामने लेकर आई हूं. एंड में एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि खुद का ध्यान दे, सेल्फ केयर ना आज के जमाने में बहुत जरूरी है. एवरीबडी, खास करके महिलाओं को मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज का सेशन उनके लिए है. ठीक है, सेल्फ केयर अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी हेल्थ को बहुत खतरे में डाल रहे हो. और सेल्फ केयर का मतलब ये ना, कितने लोगों को ये लगता है कि सेल्फ केयर मतलब सेल्फिश होता है. मैं खुद का कैसे सोच सकती हूँ, अपने पति से पहले, अपने बच्चों से पहले, अपने घर वालों से पहले कैसे सोच सकती हूँ? क्यों नहीं सोच सकते हो? आप भी एक इंसान हो ना, आपके लिए कोई नहीं सोचेगा सिवाय आपके. अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कोई नहीं सोचेगा. तो ये एक सेल्फिश एक्ट नहीं है, ये बहुत गलत एक धारणा है कि अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो मैं बहुत सेल्फिश कहलाऊंगी. जी नहीं, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो टाइम निकाल के बुक पढ़िए, अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो करिए, खेल कूद में, जिम में एक अच्छी सी कॉफी बना के पीजिए आप खुद के लिए, है ना? क्योंकि आप दूसरों के लिए करती है पर आपके लिए कौन करेगा, है ना? आप कोई भी एज ग्रुप की महिला हो, यहाँ पर ऑडियंस में जितने भी लोग सुन रहे हैं, कितनी अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं होंगी जो भी सुन रही है, उन सभी के लिए लागू होता है ये. अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, ये सभी आता है सेल्फ केयर के अंदर. सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं कि आप नेल पेंट लगाएं या ब्यूटी पे ध्यान दीजिए. जी नहीं, सेल्फ केयर का मतलब वो नहीं है. सेल्फ केयर का मतलब है आप अपनी मानसिक हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें, आप अपनी शारीरिक हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें, आप अपनी स्किन हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें. ठीक है, तो इट्स अबाउट टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. क्या हम ये चीज करने के लिए नहीं आए हैं दुनिया में? यही चीज करने के लिए आए हैं हम दुनिया में. हम अपना बॉडी, इमोशंस, माइंड और अपना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको हेल्दी बनाना ही हमारा सबसे बड़ा गोल है. अगर हम हेल्दी रहेंगे इन सभी एस्पेक्ट्स में, ना ही सिर्फ बॉडी में बट इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहेंगे तो हम एक अलग ही हैप्पीनेस अनुभव करेंगे.
और आप वो देखेंगे जब आप ये करोगे ये सारी चीजें जो आपको पसंद है। अगर आपको बाहर जाना पसंद है, गार्डन में टाइम बिताना पसंद है, जाइए 10 मिनट निकालिए अपने लिए। कुछ नहीं होता है, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप आपको हक है उतना करने का, राइट। और उसी लिए मैं आपके लिए ये चीज लेकर आई हूँ। आप इतना करती है एक महिला होके, आप अपने घर वालों के लिए जो करती है, अपने परिवार के लिए जो करती है, बॉस और लोग जो ऑफिस में जो काम करती है आप, राइट, कितना कुछ करती है, पर अगर आपका ही कप खाली है तो आप दूसरों को क्या देंगी? यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपके पास एक खाली कप पड़ा है, वो खाली कप से आप दूसरों को क्या देंगी जब आपका खुद का कप खाली है, बताइए मुझे। जब आपके कप के अंदर कुछ अच्छी चीज है जो आप दे सकते हो दूसरे को, तब जाके आप दोगे किसी और को। अगर आप खुद ध्यान नहीं रखोगे अपना, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप खुद नहीं हेल्दी हो तो आप कैसे हेल्दी रखोगे अपने परिवार को, है ना। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सभी महिलाओं के लिए है, भले वो 18 साल की लड़की है या 80 साल की औरत है, सभी के लिए ये मैं जानबूझ के मैंने ये स्लाइड रखी है कि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा रियलाइज करो कि आप अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप किसी का भी नहीं रख पाओगे ध्यान। एंड उसी के साथ अ वेरी वार्म थैंक यू सभी को, बहुत पेशेंटली सुना आपने जी। ओवर टू यू शुभाशीष सर, थैंक यू सो मच। वाओ, क्या बोले, मतलब इतना इंफॉर्मेटिव, इतना नॉलेजेबल, ये सारा शब्द आज कम पड़ेगा, बिकॉज जो मैसेज आपने लास्ट में दिया ये बहुत 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 जरूरी है आज के डेट के लिए स्पेशली। ये सभी को कहा जाता है लेकिन हम सभी ना किसी जगह में आके रुक जाते, कहीं पाबंदी लग जाता है, मतलब हम लोग उतना मानते नहीं है। और कोई एक हमारे फ्रेंड ने कहा था सेशन शुरू होने से पहले कि कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, मतलब कोई लेडी कही थी कि कहीं ना कहीं फीमेल्स भी जिम्मेदार है ये सारा चीज अपने जिंदगी में उतारने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन जो था ये रियली एक मतलब मैं क्या कहूँ, एक रिमार्केबल सेशन था जो हमारे सीरियसली मतलब जो हमको बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकता है अगर हम चेंज को चेंज लाना चाहते हैं, जो आपने बताया कि ये हम चेंज लाना चाहते ही या नहीं, राइट। सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, एंड थैंक ऑल ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। मैं चाहूंगा या मैं आशा रखूंगा कि जो भी आज इधर से हम लोग सीखे उसको, प्रोडक्ट तो सही है, ठीक है, प्रोडक्ट तो है, डिजीज तो है, लेकिन जो मैसेज निकल के आया कि हमारे घर के जो पिलर्स है उनको अगर ख्याल रखने का जिम्मेदार ना कहीं हम लोगों के ऊपर भी, मतलब हम जो मेल्स है ना हम लोगों के ऊपर भी जाता है। और ये मेरे सेशन में मैं कहता हूँ हमेशा कि बहुत सारे ऐसे हैं आज इंडिया समाज में, भारत के समाज में, हम बहुत सारे गांव में तो छोड़ दीजिए, शहर में भी ऐसा है कि एक भाई को पता नहीं उनके बहन का पीरियड कब हो रहा है, एक बेटे को पता नहीं उनके माँ का पीरियड कब हो रहा है। और ये ना कहीं हम लोग मतलब उन्नति के बात करते हैं, हम लोग प्रोग्रेस की बात करते हैं, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, कहाँ आगे जा चुके हैं, मतलब वही मेंटेलिटी, वही पीछे वाली सब कुछ। तो ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब एक महिला पीरियड में रहती है या फिर उनका ये पीरियड चलता है एक महीने में, उस टाइम पे बहुत ज्यादा केयरिंग उनको चाहिए, राइट। सो आई थिंक ये अभी बोलने का कोई फायदा मतलब जरूरत नहीं है, बिकॉज मैडम ने ऑलरेडी समझा दिए। सो ये थोड़ा सा अगर हम मर्द भी या जेंट्स भी अगर अपने कंधे में ये जिम्मेदारी उठा ले कि जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं हम, मतलब डे के एंड में भी अगर सारा काम निपटा के उनको एक बार ये पूछे कि तुम कैसी हो या आप कैसे हैं, सो ये भी एक बड़ा चेंज होगा हमारे समाज में। थैंक यू सो मच। अभी कुछ सवाल ले लेते हैं जी। जी सर। अच्छा
इतने सारे थैंक यू मैसेज, थैंक यू एवरीबॉडी. सुरभि कुमारी जी, जी आपका जी. सवाल है पीरियड 3 के बाद आती है. नहीं, आई थिंक उनका सवाल ये है 3 दिन के बाद आता है, यानी डिले होता है 3 दिनों से, शायद मैं ये समझ पा रही हूँ. हाँ, वो डिलेड पीरियड्स की बात कर रही है. आप विमेन शक्ति सिरप भी ले सकते हैं या फिर आप वोमिकेयर सिरप भी ले सकते हैं. अगर सिरप नहीं लेना है तो आप कैप्सूल ले सकते हैं जो वोमिकेयर कैप्सूल है. तो ये अनियमित पीरियड्स के लिए डेफिनेटली ये हेल्प करेगा. और 3 दिन डिले होना नॉर्मल अबनॉर्मल नहीं है बाय द वे सुरभि जी. 3 दिन डिले होना अबनॉर्मल नहीं है. अगर आपको हफ्ते से ज्यादा डिले हो रहा है देन इट्स अबनॉर्मल. तो ज्योति जी का सवाल है पीसीओडी के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं. पीसीओडी के लिए बेस्ट रहेगा वोमिकेयर, या तो सिरप या तो कैप्सूल, कोई एक दे सकते हो आप, और आप शतावरी भी दे सकते हो उनको. महिंदर जी, ये आपने मेन सेक्सुअल वीकनेस के बारे में बताया तो मैडम ऑलरेडी कह चुकी है कि मेल मेंस हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम होगा तब ये बताया जाएगा. आज विमेन हेल्थ के लिए है. सो सुरभि कुमारी जी ने फिर से लिखा है पीरियड 3 मंथ के बाद. अच्छा, मंथ के बाद, हाँ, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. पर वो एज भी एक फैक्टर है. अगर आप कौन सी एज की बात कर रहे हो, अगर आप 45 के बाद की बात कर रहे हो, दैट मींस कि वो एक साइन है कि वो मेनोपॉज होने का एक सिग्नल है कि मेनोपॉज की ओर अगर आप बढ़ रहे हो. पर अगर आप 45 के नीचे की औरतों के लिए बात कर रहे हो तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली एक चेकअप कराना चाहिए. पेल्विक सोनोग्राफी करवाइए. पेल्विक सोनोग्राफी से आपको पता चलेगा कि यूट्रस की हेल्थ कैसी है, ओवरीज हेल्दी है या नहीं. अगर आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको. एंड तब आप फिर अगर आपको पीसीओएस या कोई ऐसी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है तो आप ये इसमें से कोई भी एक ले सकते हो, या वोमिकेयर जूस या फिर वोमिकेयर कैप्सूल. और उसके साथ साथ आप या तो शतावरी ले सकते हो अगर बहुत ही गंभीर समस्या है, या फिर इतना इश्यू नहीं है डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट तो फिर आप एलोवेरा कैप्सूल भी ले सकते हो. थैंक यू मैम. सुरेश जी, आपका सवाल का जवाब अभी अभी मैम ने दे दिया है, पीरियड टाइम से नहीं हो रहा है. जी जी. सो श्याम गुप्ता जी, व्हाइट डिस्चार्ज में क्या लेना होगा. व्हाइट डिस्चार्ज में आप वोमिकेयर कैप्सूल लें, वो बेटर रहेगा जूस से ज्यादा, या फिर आप शी केयर भी दे सकते हैं उनको. या सो रफत शेख जी, मैम कैल्शियम टैबलेट से वेट गेन होता है क्या, और थायराइड में ले सकते हैं क्या. बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल. कैल्शियम टैबलेट से वेट गेन नहीं होगा. तो गौरी जी का सवाल है पीरियड के टाइम ब्लीडिंग कम होती है और 3 दिन ही होती है, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि यू गो फॉर शतावरी एंड यू गो फॉर विमेन शक्ति सिरप, क्योंकि वो फ्लो को रेगुलेट करेगा. राइट. सो प्रियंका जी का सवाल है सोराइसिस है तो गैनोडर्मा कंपलसरी देना चाहिए. अगर सोराइसिस का प्रॉब्लम है, कितने टाइम से वो भी देखना पड़ेगा. पर ठीक है, चलो अगर जनरल क्वेश्चन है तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो गैनोडर्मा देना जरूरी होता है, बिकॉज उससे आपका जो मशरूम्स के अंदर जो एक ताकत होती है ना ये इन्फ्लेमेशन कम करने की, आप उसमें डेफिनेटली रिलीफ देखोगे. राइट. उसके साथ, सॉरी, कैन आई ऐड समथिंग. या. हाँ, वो गैनोडर्मा के साथ आप ब्लैक एक्टिवेटेड एलोवेरा भी दे सकते हो. ठीक, एकदम ठीक. सो दीपाली जी का सवाल है इफ समवन टेक ट्रीटमेंट फॉर प्रेगनेंसी दैट टाइम कैन वी सजेस्ट आवर प्रोडक्ट फॉर पीसीओडी एंड पीरियड. जब तक कंसीव नहीं होता है तब तक आप दे सकते हो. द मोमेंट इट इज कंफर्म्ड कि प्रेग्नेंट है उसके बाद स्टॉप कर दीजिए. सभी के लिए ये है, जैसे ही आपको पता चला प्रेगनेंसी हो गई है शुरू तो आप स्टॉप कर दीजिए. और फीडिंग जब बच्चा हो जाता है उसको आप फीड करते हो, उसके फीडिंग स्टॉप करने के बाद आप शुरू कर सकते हो सप्लीमेंट्स फिर से.
एग्जैक्टली सर्वश्री का जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है ये सर्वश्री कभी भी प्रमोट नहीं करता जी, प्रेगनेंसी में देना चाहिए ऐसा प्रमोट नहीं करता है जी, तो प्रेगनेंसी में कोई भी प्रोडक्ट मत दीजिए ये सवाल बार बार आता ही रहता है इसलिए जनरली आप समझ लीजिए। सो महिंदर जी फॉर ल्यूकोडिया कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितने दिन रेगुलर दवाई लेनी होगी? कितने दिन? जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है? तो जब तक मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊं तो 3 मंथ्स तो मिनिमम लेना होगा आपको। 3 मंथ्स, 3 महीना। 3 महीने के पहले यू विल नॉट सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बट हाँ, कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वोमी केयर कैप्सूल अभी बार बार आ रहा है, तो ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं उसको आप वोमी केयर से ठीक कर सकते हो। आप उनको एलोवेरा जूस भी दे सकते हो, शतावरी भी यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक। सो और जितने सारे सवाल आ रहे हैं आई थिंक ये सारे रिलेटेड सवाल ही हैं। और अच्छा, एक सवाल अमीना जी। जी। मेरी कजिन को 2 बार मिसकैरेज हो गया है, उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? ओके, तो जिनको मिसकैरेजेस का इश्यू है, जो ये 2 बार हुआ है, किसी किसी को यू नो रुकता नहीं है ज्यादा टाइम प्रेगनेंसी, उनको पहले तो यूट्रस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ओके, क्योंकि यूट्रस के अंदर खास करके जो लाइनिंग होती है वो इतनी पतली होती है, ये कारण होता है मिसकैरेजेस का। उनको आप एलोवेरा कैप्सूल जरूर दें बिकॉज उसके अंदर विटामिन B9 होता है। B9 यानी कि फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड और मिसकैरेजेस दोनों, मतलब फॉलिक एसिड इतना इफेक्टिव होता है मिसकैरेजेस के लिए कि आपको वहीं से रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहला स्टेप, यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करोगे आप बाय गिविंग एलोवेरा कैप्सूल एंड बाय गिविंग वोमिकेयर सिरप। ये दोनों चीजें आप दे सकते हो, ठीक है? तो मिसकैरेजेस के लिए भी उतना ही है बिकॉज ये एक यूट्राइन टॉनिक है। यूट्राइन टॉनिक यानी कि आपकी यूट्रस को टोन करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि जो प्रेगनेंसी है उसको वो कैरी कर सके। राइट, सो थैंक यू सो मच। अभी बहुत समय भी हो चुका है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है आप सभी के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो ऑलरेडी, ये मैं अनाउंस कर चुका हूँ, द फैबुलस फ्राइडे, ये इसके बारे में आप सभी को पता है आई थिंक, स्क्रीन मेरा दिख रहा है। यस, तो ये जो फैबुलस फ्राइडे है इसमें क्या होगा आप सभी को पता है, ये फ्राइडे को हम लोग टेस्टिमनी लेके बात करने वाले हैं। जितने सारे आप लोगों के पास प्रोडक्ट रिलेटेड टेस्टिमनीज तैयार हुए हैं, आप तुरंत उसको भेज दीजिए SHPL एडुकेशन सिस्टम के पास, मतलब ट्रेनर्स के पास, जितने सारे ट्रेनर्स का नंबर, मेरा नंबर अगर किसी के पास है, या अनुषा मैडम का नंबर है, या पार्थो प्रतिम सर का नंबर है, या राजकुमार सर का नंबर है, किसी का भी नंबर आपके पास है एडुकेशन सिस्टम का, या शामो सर का नंबर है, सो आप लोग किसी के पास भी ये जो भी सेगमेंट में, हेल्थ केयर सेगमेंट में, ब्यूटी केयर सेगमेंट में, एग्रीकल्चरल केयर सेगमेंट में, एनिमल केयर सेगमेंट में, या जितने भी सारे सेगमेंट्स है, आपका जो भी टेस्टिमनी रेडी है वीडियो शूट कीजिए, आप लोग भेज दीजिए, क्योंकि इस फ्राइडे से, फ्रॉम दिस फ्राइडे दिस वीक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैबुलस फ्राइडे, जिसमें हम लोग टेस्टिमनी शेयर करने वाले हैं। और एक्साइटिंग न्यूज ये है कि जितने सारे टेस्टिमनीज आएंगे हमारे पास, उनमें से जो टेस्टिमनी सिलेक्टेड होंगे दिखाने के लिए, ये जूम पे हम लोग उसको दिखाएंगे, और जो व्यक्ति टेस्टिमनी को शेयर करेगा हम लोगों के साथ, उनको हम लोग जूम में आमंत्रित करेंगे और उनके मुख से हम लोग सुनेंगे उस टेस्टिमनी के बारे में। और दोस्तों, ऑडियंस के विचार से और SHPL एडुकेशन सिस्टम की विचार से, जो टेस्टिमनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो कहलाया जाएगा टेस्टिमनी ऑफ द वीक, और उनको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट SHPL की तरफ से। तो क्या आप वो गिफ्ट लेना चाहते हो? क्या आप फोकस करना चाहते हो खुद को जूम के जरिए ऑल ओवर इंडिया में आपके टेस्टिमनी की द्वारा? सो इमीडिएटली सर्वश्री ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, एडुकेशन सिस्टम में, आप लोग टेस्टिमनी का शेयर जरूर करें। ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया था बहुत दिन पहले और आज भी बोल दिया, बिकॉज इस फ्राइडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ऑडियो तो भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो अगर होगा तो आपका गिफ्ट जीतने का चांस ज्यादा रहेगा, बिकॉज उसमें हम लोग पेशेंट को भी देख पाएंगे, राइट? सो
थैंक यू सो मच. अगर किसी को नंबर्स चाहिए एजुकेशन सिस्टम का, मतलब हम लोग ट्रेनर का, आप लोग कस्टमर केयर में फोन कीजिए 11 से 7. फोन करके आप लोग नंबर ले सकते हो, हमारा ऑफिशियल नंबर, और फोन करने का या मैसेज भेजने का 11 से 7 ही समय है. सो थैंक यू सो मच. मुलाकात होगा कल सुबह, और स्पेशली और एक बार दिल से थैंक यू देना चाहूंगा रिद्धि मैडम का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाया, और आप लोगों का भी दिल से थैंक यू, बिकॉज आप लोगों का ये जो सपोर्ट है, ये जो सहयोग है, ये हम लोगों को भी इंस्पायर करती है, हम लोगों को भी एक्साइटेड रखती है इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मुलाकात होगा कल सुबह 8 बजे फिर से एक बार इसी जूम वेबिनार में. तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए. सभी एक साथ मिलके कहते हैं जय सर्वश्री. विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक डे अहेड. थैंक यू सो मच.